संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मंगलवार को 14 प्रत्याशियों सहित 17 लोगों ने किया नामांकन। माँ और बेटा भी आमने सामने। लोकसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार। डीएम और एसएसपी ने दी तैयारियों की जानकारी। भाजपा के जनसभा में कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के जीत की भरी हुंकार। माइक्रो ऑब्जर्वरों का हुआ चुनावी प्रशिक्षण। दी गई तकनीकी जानकारियां। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार उड़न दस्ता टीम का हुआ गठन। दो अधिकारियों के बदले गए कार्य क्षेत्र। टूल पकड़ता जा रहा है चीफ प्रॉक्टर द्वारा छात्रों पर की गई कार्रवाई का मामला। छात्रों ने कुल सचिव का किया घेराव। की चीफ प्रॉक्टर के निलंबन की मांग। 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लूजी मतदाता जागरूकता रैली को करेंगे संबोधित। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारतीय कला एवं शिल्प विषय पर आयोजित हुई व्याख्यानमाला। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। 24 फरवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित होगा पांडुलिपि छाया प्रदर्शनी और तत्व बोध व्याख्यानमाला। 3 दिवसीय क्षेत्रीय चित्रकला प्रदर्शन का हुआ समापन। प्रतिभागियों को दिया गया कैटलॉग। मानदेय को लेकर संयुक्त संविदा कर्मी जनहित संघर्ष मोर्चा के लोगों ने नगर निगम पार्क में किया प्रदर्शन। खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार गोरखपुर में 21 फरवरी को आ रही है मोबाइल लोक अदालत वैन। वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज महुराव हरनही में आयोजित हुआ 7 दिवसीय एनएसएस शिविर। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। और 67वीं अंतर जनपदीय उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप का हुआ आगाज़।